झारखंड में अमित शाह ने जनता को किया संबोधित, कहा परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़नी बीजेपी। केरल दौरे पर पहुंचे मंत्री अश्विनी वैष्णव, विकास परियोजनाओं का लिया जायजा। वायनाड में राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा मैं भाग्यशाली हूं कि प्रियंका मेरी बहन है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा आपको विभाजित करना है इनका उद्देश्य। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन मुगालते में है कि भाजपा उन्हें हटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा आपको हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, भाजपा झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन का मतलब है कि यहाँ पर गरीबों का पैसा खाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार को बदल दिया जाए। हेमंत सोरेन जी मुगालते में है कि भारतीय जनता पार्टी उनको हटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। अरे हेमंत बाबू, भारतीय जनता पार्टी आपको हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन लाने, परिवर्तन से मतलब, परिवर्तन से मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, पार्टी बदल दी जाए। परिवर्तन से मतलब है कि यहाँ पर गरीबों का पैसा खाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार को बदल दिया जाए। ये इतनी बड़ी सभा है भाइयों बहनों, मुझे बताओ इतनी बड़ी सभा में आप सभी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ कभी देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है? 350 करोड़ रुपया कभी बैंक अकाउंट में आया है क्या? ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला, वो किसका है भाई? बताओ तो जरा किसका है? अरे जोर से बोलो, किसका है? और झारखंड की माता बहनों, ये 350 करोड़ रुपया और आलम के घर से मिला 30 करोड़ रुपया आपका है, आपका है। केंद्रीय सूचना प्रसारण, रेलवे और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव एक दिन के केरल दौरे पर आज सुबह कोची पहुंचे। उन्होंने रेलवे से संबंधित बुनियादी ढांचा, अमृत भारत एक्सप्रेस और स्टेशन विकास परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए विशेष रेलगाड़ी से अलुआ से कोझिकोड तक की यात्रा भी की। कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर उन्होंने रेल संभाग की जारी विकास परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए समीक्षा बैठक भी की। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए राहुल गांधी ने पार्टी उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा के समर्थन में सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा मैं भाग्यशाली हूं कि वो मेरी बहन है, अब आप भी भाग्यशाली हैं कि वो मेरी बहन है। वो आपकी बहन की तरह, आपकी माँ की तरह, आपकी बेटी की तरह होंगी, इसलिए मुझे विश्वास है कि अब आपके पास सबसे अच्छी सांसद है जो आपको मिल सकती थी। Now you are also lucky to have her as a sister. இப்ப நான் மட்டும் இல்ல, இந்த சகோதரியே சகோதரியாயிட்டு கிட்டா நீங்களும் பாக்கியம் செய்தவரான. I cannot be mother, she can be mother. எனக்கு அம்மையாவன் சாதிக்கல, പക്ഷെ இந்த சகோதரிக்கு அம்மையாவன் சாதிக்கும். She is going to be your sister, like your mother, like your daughter. कांग्रेस नेता और वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा तेजी से चुनाव प्रचार कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी की सरकार सिर्फ अपने बड़े व्यापारी मित्रों के लिए काम करती है, उनका उद्देश्य आपको बेहतर जीवन देना नहीं है, नए रोजगार ढूंढना नहीं है, बेहतर स्वास्थ्य या फिर शिक्षा पहल और कार्यक्रम प्रदान करना नहीं है। इन्हें बस किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना है, जिसका साधन आपको विभाजित करना है। वो आपके बीच गुस्सा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। Modi's government works only for his big businessmen friends. Modi, Narendra Modi's government is pravartikkunnathu adhekathinte adhisambandharaya vyavasayi soorthukalkku vendi maatramanu. His objective is not to give you a better life. It is not to find new jobs for your young who are educated. It is not to provide better health or education initiatives and programs.
it is simply to stay in power by any means possible. നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം ലഭ്യമാക്കലല്ല, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ നൽകുന്നതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വിധേനയും അധികാരത്തിൽ തുടരുക എന്നത് മാത്രമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം. And what are those means? Those means are dividing you, spreading anger, असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा सरमा ने बयान दिया. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी मैं यहां आया था, लेकिन लोगों में अभी उत्साह और उमंग बहुत ज्यादा है. हम लोग इस बार बहुत अच्छे से चुनाव जीत जाएंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के मंत्र पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू समाज को बांटने के निरंतर प्रयास किए हैं. देखिए, लोकसभा चुनाव में भी मैं यहाँ आए थे, लेकिन अभी उत्साह और उमंग बहुत ज्यादा है. तो मेरा मानना है कि हम लोग बढ़िया से इस बार चुनाव जीत जाए. देखिए, एक रहेगा तो सेफ रहेगा. राहुल गांधी ने हिंदू समाज को बांटने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है. झारखंड में घुसपैठिए आते हैं, हमारे आदिवासी समाज हिंदू समाज का अस्मिता को खतरा में पहुंचा दिया है. इस समय है एक रहने का. अगर आप एक रहेगा सेफ रहेगा. नेतु घुसपैठिया आपका जमीन, आपका बेटी, रोटी माटी बेटी तीनों को सीन के लेके जाए. राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि चुनाव जैसे जैसे पास आएगा तेजस्वी यादव इसी तरह के बुलेटिन जारी करेंगे. बिहार में अगर कोई अपराध होता है तो अपराधी के पकड़े जाने पर उसे सजा भी मिलती है. नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में किसी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है. अपराध तो दुनिया में कहीं भी हो सकता है, लेकिन उस पर कार्रवाई होती है. वो चुनाव जैसे जैसे आएगा वो यही सब बुलेटिन जारी करेंगे. 18-19 साल से मैंने हमेशा कहा है कि बिहार में अगर कोई अपराध होता है तो अपराधी पकड़ा जाता है और उसको सजा मिलती है. नीतीश कुमार के सरकार में, एनडीए सरकार में किसी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं. क्राइम तो दुनिया में कहीं हो सकता है, लेकिन क्राइम होगा तो उस पर एक्शन होता है और कार्रवाई होती है. कभी भी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन किसी भी अपराधी को सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता. देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही. देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर.